आज हम बात करेंगे कि जो आज की डेट रिलीज हुई थी डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम डेट 22 जुलाई से, तो वो एग्ज़ाम अब कब होंगे। तो सबसे पहली बात कि जो आज की डेट थी रिलीज हुई थी 22 जुलाई 2021 से आज के फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन होने थे, वो एग्ज़ाम अब 10 अगस्त के बाद ही रिलीज होंगे। मतलब उसकी डेट आएगी और 10 अगस्त के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके पहले 1 से लेकर 5 तारीख तक मॉक टेस्ट होंगे, उसके बाद 10 अगस्त से ही आपके लमसम नियर अबाउट एग्ज़ाम मेन एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे और जैसे पूरा सिनेरियो था वैसे ही रहेगा। फाइनल ईयर को छोड़ के फर्स्ट ईयर की यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। फर्स्ट ईयर की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है, तो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे थे उनको 50% चांसेस हैं कि प्रमोट किया जाए और 50% चांसेस हैं कि उन लोगों के एग्जामिनेशन हो। अभी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से बात चल रही है, जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है तब तक हम ये चीज़ क्लियर नहीं कर सकते हैं कि हाँ आप लोगों के एग्जामिनेशन होंगे या आप प्रमोट होंगे। तो अभी आप 50-50 मान के चलिए, आप अपनी पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, जैसे आप कर रहे थे उसी बेसिस पे, उसमें कोई परिवर्तन ना करिए, ठीक है। फाइनल ईयर वालों के लिए एक सबसे अच्छा चांस है कि जिन लोगों का अभी तक के 22 से जो आज के डेट से एग्ज़ाम थे उनके 60% आ रहे थे, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने एग्ज़ाम के मार्क्स को इनक्रीज कर सकते हैं, वो 90% ला सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 दिन का उनको और टाइम मिल गया है। और जो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि सर हम कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो कम से कम 50-60% ला सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप उस टाइम को कंज्यूम करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आ गई है, वो एग्जामिनेशन 26 जुलाई लास्ट डेट है भरने का। आप अपने कॉलेज में संपर्क करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अपने टीचर से बात कर लीजिए कि किस तरीके से सर फॉर्म भरना है, क्या कैसे है, या कॉलेज में कॉल करके आप कन्फर्म कर लीजिए, ठीक है। ये अभी फाइनल ईयर वालों के लिए ही आया है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए अभी नहीं आया है एग्ज़ाम डेट, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों की प्रैक्टिकल्स डेट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि प्रैक्टिकल डेट आपकी आ गई है, 21 से 30 के बीच में आप लोगों के प्रैक्टिकल होने हैं, 21 से लेकर 30 जुलाई के बीच में, ठीक है। तो आप लोग अपने सारे फाइल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लीजिए। आप लोगों का प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन मोड पे ही होंगे, तो उसके लिए भी आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए कि सर हम लोगों का प्रैक्टिकल्स कब है, कैसे है, उसके बारे में आप डिटेल में जानकारी ले लीजिए। अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो बचा हुआ टाइम है उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करिए आप लोग, कि आप लोगों का काम अच्छे से हो जाए, मतलब किसी का बैक ना लगे। तो सबसे पहले अभी 10 दिन का टाइम बचा हुआ, आप लोग अपने थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर करिए। थ्योरी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को जब आप बीट करते हैं तो सबसे पहले आपको थ्योरी की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद आप टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कोशिश करिए ट्राई करने के, ठीक है। वो आपको बहुत सारी वेबसाइट हैं उस पर आप जाके देख सकते हैं, या फिर आपके क्लासरूम पे जो कॉलेज का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे मॉक टेस्ट की तरीके से कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वहाँ से आप उसको सॉल्व करिए। मतलब कहीं से भी आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या यूट्यूब से या फिर टीचर्स के या कॉलेज के किसी भी ग्रुप से आपको कहीं से भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। पहले आप अपनी थ्योरी कवर करिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है थ्योरी कवर करने का, तो पहले थ्योरी कवर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग अपना मेन एग्ज़ाम के लिए टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। फाइनल ईयर वालों के लिए ये मेरी सजेशन है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये है कि वो लोग अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें, अगर प्रमोट हो जाते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं होते हैं तब भी अच्छा है, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी 50-50 चांसेस हैं कि आप प्रमोट होंगे। अभी आप लोगों का प्रैक्टिकल आ चुका है, क्योंकि इनका एग्ज़ाम ज़रूर होगा और अगस्त में ही होगा, 10 अगस्त के बाद ही होगा, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आई। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।